हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। तो भाई आज कोई टेक का वीडियो नहीं है, बल्कि कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। क्या है कि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मैं थर्ड ईयर में था इस बार। तो मुझे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक टैबलेट मिला, और ये लावा कंपनी का टैबलेट है। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊँ, एंड इसको स्टार्ट कैसे वो बताऊँ कैसे करें, और इसमें क्या कमियां हैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और आपको इसमें क्या नहीं डालना चाहिए, क्या सर्च नहीं करना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई इसकी मैंने क्या है कि अगल बगल जो पन्नी से पैकिंग थी वो निकाल ली है, एंड मैं इसको कुछ इस तरीके से खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ये हो गया, एंड सबसे ऊपर इस तरीके से टैबलेट रखा हुआ है। तो टैबलेट मेरा ये है, एंड इसके साथ ही मैं आया इसका जी कवर होल्डिंग वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा इसके लिए कवर है। ओके, तो इससे आप बहुत आसानी मतलब इसकी सेफ्टी, कैमरे की सेफ्टी अच्छे से हो जाती है। साथ ही मैं इसमें एक ईयरफोन आया है, और इसका चार्जर है, और इसकी सी टाइप केबल है। ओके, कुछ इतना आया। बाकी मैं आपको बता दूँ तो ये लावा कंपनी का है, देख सकते हो, और इसको मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने इसको ओपन ही नहीं किया, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा, इसका पूरा सेटअप करूँगा, एंड इसमें कुछ कमियाँ भी हैं बहुत सारी, वो भी आपके साथ बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हूँ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टैबलेट के पावर वाले बटन को आपको दबाए रहना है, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे लिखा कनेक्ट मोबाइल नेटवर्क, इसको स्किप करके आपको एक वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है सेटअप ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर आप इसका ऑफलाइन सेटअप करते हो, मतलब विदाउट वाईफाई इसका सेटअप करते हो, तो एक मिनट में सेटअप ज़रूर हो जाएगा, बट एक कंट्रोल में नहीं होगा यूपी गवर्नमेंट के, और ये बार बार आपका फॉर्मेट हो जाया करेगा, और आपका टैबलेट लॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन सेटअप ही करना, क्योंकि ये पूरा कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट के। ओके, तो मैं यहाँ पर वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड जैसे ही आप वाईफाई को कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है गेटिंग योर टैबलेट रेडी, आपका टैबलेट रेडी हो रहा है। ओके, एक मिनट की प्रोसेस के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा जस्ट अ सेकंड। ओके, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाएगा चेकिंग इन्फो, क्योंकि ये टैबलेट है तो इसको आप चारों तरफ रोटेट कर सकते हो। ओके, एंड मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये पूरा टैबलेट कंट्रोल में रहता है गवर्नमेंट के, अभी आपको इसका कंट्रोल अथॉरिटी पूरी देनी पड़ेगी उनको। फिर से एक नया ऑप्शन आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसको आपको गेट रेडी कर देना है, आपको नेक्स्ट ही कर देना है। बस पिछले में जो मैंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बताया, उस पर ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी हो रहा है वर्क सेटअप के लिए, एंड थोड़ी ही देर बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, लेट सेटअप योर वर्क डिवाइस, और इसको आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आपका यहाँ पे टैबलेट ऑटोमेटिक ही उसमें जो वर्क होना है वो हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग टू अप योर डिवाइस, मतलब आपका ये डिवाइस ऑटोमेटिक वो कर रहा है, एंड इसको आपको अब नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पे आया गूगल सर्विस, अब आपको यहाँ पे सिंपल जैसे एंड्रॉयड ओपन होता है, सेम वैसे ही ये भी ओपन होगा, एंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट अभी आप ये नहीं समझना कि आपका ओपन हुआ है, अभी ये कंट्रोल में नहीं हुआ है गवर्नमेंट के, अभी ये पूरा कंट्रोल में होगा डिवाइस। आप देख सकते हो कंट्रोल में, इसके लिए आपका एक ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब आपका पूरा टैबलेट हैक हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे दिख लाएगा मोबी कंट्रोल, इस वाले मतलब ऐप से पूरा हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। तब तक मैं आपको यहाँ पे कुछ इसमें बातें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अभी आप इसका वॉलपेपर बदल सकते हो, बट जब ये कंट्रोल में हो जाएगा तो इसमें वॉलपेपर नहीं बदल सकते हो, इसमें आप अपनी खुद की जीमेल डाल सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन इसमें चला सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया सोटी मोबी कंट्रोल नाम का, और आप देख सकते हो जो कोड आया है ना, इसको भाई ध्यान से देख लो, इसको आपको अलग नहीं करना है, मतलब आपका टैबलेट में अलग कोड होगा, एंड इसको आपको एनरोल कर देना है। दो तीन बार में ना हो तो आपको एनरोल करते जाना है, एनरोल करते जाना है, एंड यही कोड से आपका टैबलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है।
एनरोल का बाद का ऑप्शन कुछ इस तरीके से होगा एंड ये ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो जाएगा। आप देख सकते हो अब आपका जो है पेंडिंग एक्शन कुछ इस तरीके से, मतलब आपका डिवाइस पेंडिंग पे चला गया है और ऑटोमेटिक इसका वॉलपेपर अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे ले अकाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड अब मैं आपको इसको कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैबलेट अब मेरा चल चुका है, उनके कंट्रोल में भी मेरा टैबलेट आ चुका है। अब मैं इसकी सेटिंग्स पे जाऊँगा और एक कितने मतलब कितना इसकी रैम है, कितनी रोम है, ये आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अबाउट टैबलेट पे जाऊँगा और आप देख सकते हो ये 232 है, एंड्रॉयड 10 वर्जन है इसका एंड 232 टैबलेट है हमारा। एंड आप इसमें दो सिम डाल सकते हो या एक सिम एक चिप डाल सकते हो एसडी कार्ड, ओके। एंड यहाँ पे आप अपना गूगल जीमेल भी ओपन कर सकते हो। एंड इसमें अगर आप अभी प्ले स्टोर ओपन करोगे तो ओनली इंस्टाग्राम लाइट होगा, बट आप खुद की जीमेल जब डाल लोगे तो आप सारे एप्लीकेशन कोई भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सानी और गूगल अकाउंट, तो ये जीमेल है, आप अपनी जीमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा भाई टैबलेट है, मेरे को तो ठीक है, मैं इसमें वेब सीरीज़ या मूवी वगैरह देखूंगा। आपको अगर टैबलेट मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आपका कैसा टैबलेट लग रहा है एंड कितने महीने चला ये भी कमेंट में बताना भाई, क्योंकि मुझे पिछले साल जब मैं सेकंड ईयर में था तो थर्ड ईयर में मिला था लोगों को एंड काफ़ी लोगों को था कि ये एक दो महीने ही चला। तो भाई कमेंट में बता देना कि मेरा ये कितने महीने चलने वाला है, ओके। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।